ऑब्टेन करते हैं। कॉमन सॉल्ट टू फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर कंटेन द डिसॉल्व्ड सॉल्ट सिगल, सी वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, मेजर सॉल्ट प्रिपेयर इन सी वाटर इज कॉमन सॉल्ट। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं उसमें, पर हम मेजर अमाउंट में उसमें से क्या निकालते हैं, कॉमन सॉल्ट निकालते हैं, यानी कि NaCl निकालते हैं। कॉमन सॉल्ट किसको बोल रहे हैं, हम NaCl को बोल रहे हैं। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, भाप बनाते। सिंपली हम समुद्र की लहरों को एक बड़े बड़े से उसमें शैलो पूल्स में इकट्ठा कर लेते हैं, समुद्र किनारे पे बड़ी बड़ी सी क्यारियां सी बना देते हैं। जैसे हम मतलब गार्डन में, जब मान लो हमें गार्डनिंग का शौक हो, तो वी मेक स्मॉल प्लॉट्स, छोटे छोटे प्लॉट क्यारियां बनाते हैं, उनमें छोटे छोटे पौधे लगाते हैं हम, अच्छे अच्छे कि हमें पालक लगाना है उसमें, या भिंडी की लगानी है, टमाटर के पौधे लगाने हैं। इस तरह से हम ये समुद्र के किनारे पे छोटी छोटी सी शैलो पूल्स बना लेते हैं, गड्ढे से बना लेते हैं। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उसमें वो सेटल हो जाता है उसमें पानी, और फिर वो जब लहरें वापस चली जाती हैं तो व्हाट हैपेंड, द सी वाटर इवेपोरेट्स। जब सी वाटर इवेपोरेट होता है, नीचे क्या बचा रह जाता है, फिर मिट्टी में सॉल्ट। तो लोग उस सॉल्ट को चुन के ले आते हैं, पर अभी उस वो गंदा हो रखा होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मिक्सड इम्प्योरिटीज होते हैं, तो उसे प्योरीफाई करना पड़ता है, प्योर कॉमन सॉल्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो मिट्टी के अंदर हमने क्यारियां बनाई थी, उसमें सॉल्ट आ गया, चुनकर हम एक बैग में भर के भी ले आए, बट अब हमें वो इंडस्ट्रीज को देना पड़ता है, और इंडस्ट्रीज प्योरिफिकेशन करती हैं, उसे साफ करती हैं ह्यूज क्वांटिटी में, और उसमें फिर आयोडीन भी मिक्स करती हैं। उसमें आयोडीन नहीं होता, बस उसमें आयोडीन ऊपर से डाला जाता है। कॉमन सॉल्ट सिर्फ समुद्र से ही नहीं मिलता, कभी कभी हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी मिलता है, यानी रॉक्स के अंदर से। जैसे हमें कोयला मिलता है, कोयला की खदानें होती हैं, अंडरग्राउंड में कोयले की माइनिंग होती है, नीचे से कोयला निकाल निकाल के लाया जाता है, नीचे की रॉक्स से, अंडरग्राउंड। तो इस तरह से हमें नमक भी मिलता है, और इस वाले नमक को जो हम अंदर पहाड़ों से लेकर आते हैं, उन्हें खोद खोद के नमक लेके आते हैं, उसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जो हमें काला नमक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जस्ट लाइक जैसे हम कोयला निकाल रहे हैं, वैसे ही हम रॉक्स के अंदर से क्या निकाल निकाल के लाते हैं, रॉक सॉल्ट। गोल्डन रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट टूडे फ्रॉम अर्थ फॉर्म्ड एंशंट ड्राई अप बाय, ऐसे सीज हैं वो अंडरग्राउंड से क्यों मिल रहा है, क्योंकि अंदर भी कोई ऐसा समुद्र रहा होगा कभी, जो सूख गया अंदर ही अंदर, पहाड़ बन गया, उसमें वॉल्केनो हो गया, और वो पहाड़ बन गया, और अब उसके अंदर क्या नमक फंसा हुआ है रह गया, बहुत हम ज्यादा मतलब उसको निकाल के लाते हैं, तो वो रॉक सॉल्ट कहलाता है। सॉल्ट समुद्र अंदर ही अंदर सूख गया, और सॉल्ट वहां पर डिपॉजिट हो गया पहाड़ के बीच। इस तरह का हमें पता होता है, ये प्रोसेस है कॉमन सॉल्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने किसी भी सॉल्ट के नाम में से एसिड और बेस को पहचानना सीखा, उनके पीएच के बारे में सीखा कि कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि उसका pH 7 आता है, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, 7 से कम pH आता है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो इनके नेचर की वजह से इनके नाम दिए गए हैं। फिर हमने क्या देखा, सॉल्ट टेस्ट ऑब्टेन करते समुद्र से, और अब कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है, आप उसको पैलेट्स के फॉर्म में देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आपका नेक्स्ट सब्सटेंस है जो आप कॉमन सॉल्ट से पा सकते हो, क्योंकि कॉमन सॉल्ट का खाने में तो यूज है, पर कॉमन सॉल्ट का क्लोर एल्कली प्रोसेस में भी यूज है। व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली इज अ प्रोसेस इन विच ऑब्टेनिंग क्लोरीन गैस एंड NaOH, क्लोरीन गैस यानी क्लोर, एंड अल्कली मतलब NaOH। इसमें दो चीज बनाते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस में, एक तो हम क्लोरीन गैस बनाते हैं, वो भी हमें हेल्प होती है, स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्शन करते हैं, जो दवाई मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं, वो क्लोरीन की गैस होती है, वो क्लोरीन की टेबलेट्स होती है, और उनके डालने के पाउडर डालने के बाद उसमें से गैस रिलीज होती है, उससे कीटाणु मरते हैं। पर उसके उस वो बनी कैसे है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के, क्लोर एल्कली, क्लोर एल्कली से क्लोरीन बनती है, और क्लोर एल्कली से क्या बनता है, एल्कली बनता है। पर ये जो क्लोर एल्कली से क्लोरीन बनी है, ये किससे बनी है, नमक से, क्योंकि नमक में दोनों चीज थी, सोडियम था और क्लोराइड। तो जब हम नमक का बहुत गाढ़ा सा घोल, कॉन्सेंट्रेटेड नमक का घोल जिसे बोलते हैं ब्राइन, उस ब्राइन को किसमें डालेंगे,
उसमें उसको किस में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के चेंबर में डालेंगे। अगर हम नमक के ज्यादा गोल को इलेक्ट्रोलाइसिस के चेंबर में डालेंगे, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो ब्रेक होने लगेंगे। नमक में बिजली पास कर दी, जैसे पानी में बिजली पास करते तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है, नमक में बिजली पास कर अच्छा, देंगे क्या निकलेगा, क्लोरीन क्लोरीन और और एनए एनएस। एनएसीएल था, टूटेगा तो क्या होगा, इसमें पानी भी था क्योंकि हमने नमक की क्या बना रखी थी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एनए किससे रिएक्ट कर जाएगा, ओएच, ओएक्स और क्या बन जाएगा, एनएस। एनएओएच। और जो एच अलग हो रहा है, पानी का एच अलग हो रहा है, वो हाइड्रोजन गैस की तरह निकलता हो जाएगा, जाएगा सीएल। और एनए से सीएल भी निकलेगी, क्या निकलेगी, तो दो चीजें मिलेंगी हमें नमक के उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने से, क्लोरीन एंड क्लोरीन एंड एनएच, सोडियम, नहीं, एनएओएच एंड क्लोरीन एनएच और गैस, क्लोरीन, एनएओएच और क्लोरीन गैस हमें क्लोरीन मिलेगी। तो क्लोरेल के लिए हमें पढ़ना है, कॉमन सॉल्ट के यूज हमें पढ़ने हैं कि रॉ मटेरियल बन बहुत सारी चीजों के चीजें बनाने में यूज होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर, ये सब बनाने में हमें क्या यूज होगा, एनएसीएल ही यूज होगा, क्योंकि एनएसीएल से क्या बनेगा, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कॉस्टिक सोडा, और उससे बाकी सॉल्ट बनेंगे। कॉमन सॉल्ट हमको यूज दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, कुकिंग फूड में काम आता है, खाने को टेस्ट देने के लिए। और नमक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में सोडियम क्लोराइड चाहिए, नर्वस सिस्टम ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें बिजली के लिए हमें क्या चाहिए, एनसीएल। एनएसीएल। कॉमन सॉल्ट हमें प्रिजर्वेटिव, अचार वगैरह डालते हैं, पिकल्स डालते हैं, उनमें हमें एनएसीएल चाहिए। कॉमन सॉल्ट हमको सोप बनाने के लिए भी चाहिए, इसके यस लिए नमक बनाने के लिए मैम, सोप, थैंक यू। क्योंकि सोप क्या होता है, साबुन नमकीन नमकीन सा होता है, तो साबुन बनने में भी नमक लगता है। एंड कॉमन सॉल्ट हमको आइस को पिघलाने में, जैसे लद्दाख और हिमालय के एरिया में, शिमला वगैरह में जाते हैं, बीच में बहुत बहुत बर्फ पड़ती है, तो बर्फ से रास्ता साफ करते हैं, उसमें बहुत बहुत नमक डालते हैं, क्या डालते हैं, नमक, उससे आइस क्या होने लगती है, जल्दी जल्दी क्लियर होने लगती अच्छा, है तो सर्दियों नमक में, नमक गर्म होता है क्या? तो आइस मेल्ट हो जाती है नमक से। तो आज की क्लास यहीं तक है, हमने सोडियम क्लोराइड का पढ़ा, सोडियम क्लोराइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा कि क्लोरेल के लिए प्रोसेस से बनेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़े हमने, उनके एसिड पहचानना, उनके बेस पहचानना, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होता है, कौन सा सॉल्ट एसिडिक होता है, कौन सा सॉल्ट बेसिक होता बेसिक है, होता और हमने क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ है कॉमन यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम कैसे यूज करें। तो आई होप इट इज क्लियर, नाउ यू कैन अटेंड योर हिंदी क्लास, सोनिया मैम की क्लास है।